बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हाय गाइस, दिस इज़ शगुफ्ता एंड वेलकम माय चैनल। बिफोर स्टार्ट माय क्लास, इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल टिल नाउ, सो यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर माय लेटेस्ट वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू मेंटेन डेली एक्सपेंसेस इन एक्सेल। सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं या फिर हम कोई भी डीलिंग कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर हम घर की भी मिसाल लें, तो हमारे जो डेली के एक्सपेंस होते हैं, वो हम किस तरह से हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। जैसे कि अगर हम बिज़नेस के हवाले से बात करें, तो हमारी मंथली इनकम कितनी है और हमारे उसमें से डेली एक्सपेंस होते हैं, तो वो हमारी मंथली इनकम में से हम जो कमा रहे हैं, हम जो प्रॉफिट कर रहे हैं, उसमें से हमारे ये एक्सपेंस या फ्री कैश हमारा ये माइनस होता है उसमें से, जो हम डेली एक्सपेंस करते हैं, हमारे जो खर्चे होते हैं। तो फ़र्ज़ करें, देखिए हमने जो है ये फ्रूट्स लिखे हुए हैं। अब अगर आप ऑफिस के हवाले से ये बना रहे हैं, तो ऑफिस की आप जो है डिफरेंट जो है मतलब इक्विपमेंट कह लें, आप उनके नाम लिखेंगे जो जो आप रोज़ाना एक्सपेंस करते हैं, उसके लिए आपके कैश में से आप पैसे खर्च करते हैं। तो मैंने ये इधर फ्रूट्स लिखा हुआ है और इसके मैंने प्राइस लिख लिए, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क लिखा मैंने, न्यूज़पेपर। यानी कि मैं ये सिंपली हमारे जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, उनके नाम, जो प्रोडक्ट हमने मतलब के ख़रीदी, मतलब एक्सपेंस हुआ हमारे कैश में से, हमारी इनकम में से, उनके नाम और उनकी सिंपल मैं प्राइस लिख रही हूँ, अमाउंट लिख रही हूँ। रिपीटेड भी हो सकती हैं ये थिंग्स, और डिफरेंट भी हम जब एक्सपेंस करते हैं, तो डिफरेंट टाइप की के भी मतलब के प्रोडक्ट्स हम परचेज करते हैं, मंगवाते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत होती है। ओके, देखिए मैंने मिसाल दी है, डिफरेंट टाइप्स के नेम लिखे हैं, उनकी अमाउंट लिख ली है। ये आप जितने एक्सपेंसेस होंगे, सबके नाम लिख के आप उनकी अमाउंट लिखते जाएंगे। आप पूरा हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम डेटा में जाएंगे, और डेटा में जाने के बाद सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। डेटा में ऑप्शन आ रहा है सॉर्ट ए टू जेड, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, जो एक जैसे मतलब कि हमने एक्सपेंस किए हैं, मतलब कि एक जैसे जो अल्फ़ाबेटिकली नेम है, वो एक साथ आ गए। अब हमें इसका एक्चुअली क्या चाहिए, टोटल चाहिए, कि हम चाह रहे हैं कि हर प्रोडक्ट मतलब कि हमने जो एक्सपेंस किया है अपने कैश में से, वो हर एक का अलग अलग टोटल आ जाए और ग्रैंड टोटल भी आ जाए। तो सबसे पहले हम अमाउंट के ऊपर क्या करेंगे, टोटल लिखेंगे। ये बहुत आसान तरीका है हमारी जो डेली एक्सपेंस हम करते हैं उनका टोटल निकालने का। तो हमने क्या किया, अमाउंट के ऊपर टोटल लिख दिया। सबसे पहले हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में किया, फिर अमाउंट के ऊपर हम टोटल लिख देंगे, और डेटा ऑप्शन में ही, यानी कि डेटा मेन्यू में एक ऑप्शन आ रहा है सब टोटल। अब हम इस पर सब टोटल क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे ही हम ओके करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, आपको एक तो इसने आपको देखिए हर प्रोडक्ट का अलग अलग जो है टोटल भी बता दिया, और देखिए जैसे कि ये ड्राई फ्रूट्स का टोटल इसने बताया, फ्रूट्स का टोटल बताया, मिल्क का टोटल बताया, न्यूज़पेपर का टोटल बताया, और फिर उसके बाद ये आपको ग्रैंड टोटल भी लास्ट में बता देगा। तो ये बहुत इजी तरीका है हमारे डेली एक्सपेंस मेंटेन करने का। अब देखिए, पहले हमने ये शीट बना ली, उसके बाद हम उस पर हेडिंग भी दे सकते हैं। हेडिंग देते हैं हम डेली एक्सपेंस डिटेल की, डेली एक्सपेंसेस
इसको हमने सिलेक्ट कर लिया हेडिंग को, और होम में जाकर हमने देखिए यहाँ से आप राइटिंग स्टाइल अप्लाई करना चाहें, जो फॉन्ट में है स्टाइल आ रहे हैं हमारे फॉन्ट में, तो हमने राइटिंग स्टाइल अप्लाई कर दिया, बोल्ड कर सकते हैं इसे, साइज़ देखिए यहाँ आ रहा है इसका बड़ा छोटा हम साइज़ कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ से कलर दे सकते हैं हम इसके हेडिंग के एरिया को, हम जो जितना एरिया है आपस में सेल मर्ज करना चाह रहे हैं और हेडिंग को सेंटर में लाना चाह रहे हैं, तो हम इसमें क्या कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। देखिए कई तरीके हैं हमारे डेली एक्सपेंस की जो डिटेल है वो मेंटेन करने का, ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। जब आप ये शीट बना लें तो आप फिर इसके साथ तकरीबन इसकी पूरी डिटेल लिख सकते हैं कि आप जो है किस तारीख को आपने क्या प्रोडक्ट परचेज़ की। मिसाल के तौर पर मैंने अगर ये लिखा कि जैसे अप्रैल हमारा स्टार्ट हुआ है, तो हमने फोर्थ मंथ की फर्स्ट तारीख हमने पहले मंथ लिखा है, और फिर उसके बाद हमने डेट लिखी, और फिर उसके बाद हमने ईयर लिखी है, हमने ये फर्स्ट तारीख को हमने ये एक्सपेंस किया है। अब उसी तारीख को हमने अगर दूसरा एक्सपेंस भी किया है तो हम फिर वो लिख देंगे ये भाई इसी डेट को हमने ये प्रोडक्ट परचेज़ की। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ टाइप की डेट्स हम लिख सकते हैं जिस डेट पे हमने जो प्रोडक्ट यानी के परचेज़ की है। ठीक है, अभी तो मैंने फ़िलहाल टाइम बचाने के लिए इसको ड्रैग कर दिया है। ठीक है जी, तो हमने इसको ड्रैग कर दिया है, लेकिन हमने जब रियल में हम बनाएंगे तो जाहिर बात है कि जब जब जिस जिस डेट को हमने जो जो प्रोडक्ट परचेज़ की होगी वही डेट हम लिखेंगे। अब मैंने देखिए अभी ये ड्रैग की थी टाइम बचाने के, लेकिन जहाँ ग्रैंड टोटल आ रहा है मैंने वहाँ से डेट डिलीट कर दी, क्योंकि जाहिर बात है वो तो ग्रैंड टोटल है। ठीक है जी, और उसके अलावा देखिए जैसे कि हमने अब लास्ट में हम ये देखिए हमारा ग्रैंड टोटल है। अब अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं या हम जैसे घर के हिसाब से अपने डेली एक्सपेंस की वो बना रहे हैं, तो हमने यहाँ अपनी डेली इनकम लिखी कि भाई हमारी डेली इनकम कितनी है, इसको सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर कर देते हैं। हमने लिखा कि भाई हमारी यहाँ डेली इनकम कितनी है, हमने डेली इनकम या सॉरी मंथली इनकम लिख देते हैं इसमें कि हमारी मंथली इनकम कितनी है। हमने लिखा जितनी भी है आपकी, लाखों में भी हो सकती है आप बिज़नेस कर रहे हैं, और अगर आप रेगुलर घर के हिसाब से बना रहे हैं तो मतलब किसकी सैलरी कितनी आती है। हमने ये मंथली हमारी इनकम 10,000 लिख दी, और जो हमारा एक्सपेंस हुआ है वो ग्रैंड टोटल वो ये हुआ है। तो अब उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बची है वो कैसे निकालेंगे हम, रिमेनिंग अमाउंट मैंने शॉर्ट लिखा है, तो क्या करेंगे हम इज इक्वल सिलेक्ट मंथली इनकम और माइनस कर देंगे हम ग्रैंड टोटल। तो ये जो हमारे पास है ये हमारी रिमेनिंग अमाउंट आ गई जो हमने सेव की, ये हमारा टोटल हम मंथली कमा रहे हैं और इतना सॉरी ये हम टोटल कमा रहे हैं मंथली इनकम और ग्रैंड टोटल यानी इतना हमने खर्च कर दिया, और ये हमारी अमाउंट है रिमेनिंग अमाउंट जो हमारी हमारे पास सेव हो गई है। तो इस तरह आप बहुत आसानी से अपनी डेली एक्सपेंस की डिटेल बना सकते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्लास यू कैन आस्क इन कमेंट। सो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।